उदयपुर की सलूंबर और डूंगरपुर की 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर बैठक ले रहे हैं। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक उदयपुर शहर के उमड़ा स्थित एक रिसोर्ट में चल रही है, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष उपचुनाव की रणनीति को लेकर सभी के सुझाव ले रहे हैं। पार्टी का पूरा जोर है कि सलूंबर में पार्टी वापस जीते, वहीं 84 में भी जीत हासिल करे। यहां बाप पार्टी के प्रभाव को लेकर भी चिंतन किया जा रहा है। इससे पहले प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने मीडिया से बात करते हुए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा, बार बार आचार संहिता से विकास रुक जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए जो कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट के आधार पर वन नेशन वन इलेक्शन पर कैबिनेट ने सहमति दे दी। अब इसकी प्रक्रिया बनेगी। ऐसा होने पर बस 4.5 साल तक विकास के लिए समय मिलेगा और विकास होगा। इससे विकास नहीं रुकेगा और योजनाओं को साकार रूप दिया जा सकेगा, इसका लाभ मिलेगा। एक सवाल के जवाब में कहा कि विपक्ष तो विरोध ही करेगा, लेकिन अच्छे काम में विरोध नहीं करना चाहिए। वो तो जनता को धोखा देने और भ्रमित करने का ही काम करते आए हैं। वे काम नहीं करना चाहते थे और हम काम करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर 3:15 बजे उदयपुर के डबो के एयरपोर्ट पर उतरे। एयरपोर्ट पर जनजाति क्षेत्र विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा, वल्लभ नगर विधायक उदयलाल डांगी, निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी, आईजी अजय पाल लांबा, कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल सहित भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। शाम करीब 4:45 बजे सीएम बैठक में पहुंचे। सीएम उपचुनाव को लेकर चर्चा करते हुए अपनी बात कार्यकर्ताओं के बीच रख रहे हैं। देखिए भाई साहब, वो विपक्ष में है और विपक्ष तो यदि विरोध नहीं करेगा तो खत्म ही हो जाएगा, इसलिए विपक्ष को तो, लेकिन सकारात्मक में विरोध नहीं करना चाहिए, जो जहाँ अच्छा है उसमें सहयोग करना चाहिए। जरूरत ही नहीं है। अब वो तो देखिए, अब आज तक यही करते आए कि जनता को भ्रमित करते गए, जनता को धोखा देते गए, ये कहते गए आचार संहिता लगी है, हम क्या करें, हमारे हाथ बांध दिए, चुनाव आयोग ने हाथ बांध दिए, इसका बहाना बना करके वो काम नहीं करते थे, हम काम करना चाहते हैं। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, BEd, BA BEd, BSc BEd, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।